अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रियलिटी शो बिग बॉस 13 में ये हफ्ता सभी कंटेस्टेंट के लिए हैरान कर देने वाला है। इस बार नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कोई भी सुरक्षित नहीं बचा, यानी कि बिग बॉस 13 में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा घर एक साथ बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गया है। अब घर का कप्तान बनने के लिए घर वालों ने ऐसा खेल खेला है कि बिग बॉस को 3 कंटेस्टेंट को दंड देना पड़ा है। कलश टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर बिग बॉस 13 से जुड़ा एक प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो में सभी घर वाले कप्तानी के लिए टास्क करते नजर आते हैं। प्रोमो के अनुसार बिग बॉस सभी कंटेंट से अपने गले में एक दूसरे को तस्वीर टांगने को कहते हैं। टास्क के अनुसार जो भी सदस्य अपने पास मौजूद जिस कंटेंट को इस बार घर का कप्तान नहीं बनाना चाहता है उसकी तस्वीर को गले से निकालकर आग में जलाना होगा। ऐसे में सिद्धार्थ विशाल की, मधुरिमा माहिरा की, रश्मि सिद्धार्थ की और विशाल आरती की तस्वीर को आग में जलाते हुए दिखाई देते हैं। बिग बॉस के प्रोमो के अंत में पारस आसिम की तस्वीर को, पारस की तस्वीर को माहिरा और आसिम रश्मि देसाई की तस्वीर को गले में टांगे रहते हैं। प्रोमो के अनुसार पारस आसिम से कहते हैं कि वह रश्मि की तस्वीर को जला दे, लेकिन आसिम बोलते हैं कि वह रश्मि को घर का कप्तान बनाना चाहते हैं। वहीं माहिरा भी पारस की तस्वीर को जलाने से मना कर देती है। ऐसे में पारस आसिम और माहिरा अपने गले में टंगी तस्वीरों को जलाते नहीं है। इन तीनों का ऐसा करना बिग बॉस को पसंद नहीं आता है और बिग बॉस इन तीनों को दंड देने की घोषणा करते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बिग बॉस ने पारस आसिम और माहिरा को क्या दंड दिया।